तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मटेरियल को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक और नए किस्म का कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, तो कैपेसिटर विद इंसुलेटिंग स्लैब। तो पहले हमने कैपेसिटर बनाया सिंपल, कुछ बीच में डाला नहीं, फिर कंडक्टिंग प्लेट, फिर इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ऐसा क्यों मैंने बताया? क्योंकि इससे इसकी कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मे बी 80 to 100 times, मे बी 500 times। तो यानी कि अगर 1 microfarad का कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद वो 500 गुना ज्यादा कैपेसिटेंस अटेन कर सकता है उसी जगह के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर्टी सीखनी है कि डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा क्या करते हैं जिससे कैपेसिटी इतनी सारी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें डाइलेक्ट्रिक के और कंडक्टर के, देखो कंडक्टर तो कंडक्टर है, इसमें चार्ज मूव करता है, ये कंडक्ट करता है, पर जो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स हैं इसमें चार्ज की मूवमेंट नहीं होती। पहला रूल। दूसरा रूल, जब भी आप किसी भी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि आपने फील्ड अप्लाई किया ई नॉट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमने कंडक्टर में क्या स्टडी किया था कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा कंडक्टर में क्या होता है? सेम, क्योंकि इंडक्शन से चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है कंडक्टर के अंदर? जीरो। लास्ट टाइम किया हमने। तो अब हम बिहेवियर डाइलेक्ट्रिक का भी स्टडी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि मान लो ये आपके पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया कि अगर ये स्लैब एक कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, तो अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो बाय इंडक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाता है और यहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाता है और यहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाता है। कोई डाउट इसमें? ऐसा हो जाता है, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर मैंने ये सिखाया था कि अगर आपने बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10 दिया, तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी डेवलप होगी? मान लो 10। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर में क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं? माइनस। तो माइनस करके आंसर क्या आता है? जीरो। तो कंडक्टर के अंदर नेट ई क्या होता है? जीरो। डाइलेक्ट्रिक में ये बिहेवियर नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है कि अगर ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और बीच में मैंने एक स्लैब डाल दी जो किस मटेरियल की बनी हुई है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब एक इंसुलेटर। तो अगर मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, और ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज दिया, ये पहले से इंडक्शन हुई हुई थी दोनों प्लेट में, और मैंने बीच में क्या डाल दी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जरूर आता है, पर ये इंडक्शन की वजह से नहीं आता। क्यों आता है उसका रीजन अभी मैं दूंगा। यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा, पर इसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज से हमेशा कम होता है, काफी कम होता है। चार्ज आता है पर इंडक्शन में तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट आता है, इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं आता, कम चार्ज डेवलप होता है। ऐसे यहां पर भी कम चार्ज डेवलप होगा, कमजोर होते हैं ये चार्ज। क्यों होते हैं उसका रीजन अभी देने वाला हूं मैं, ऐसा क्यों हुआ। अब हुआ क्या, आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया था एक्सटर्नल राइट की तरफ, मान लो मैग्नीट्यूड क्या था? 10। अब क्योंकि ये चार्जेस कमजोर हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस वर्ड तो क्या यूज करूंगा, इसके अंदर एक्चुअल में इंडक्शन लगती ही नहीं है, ये वर्ड ही गलत है इसके लिए, क्योंकि इंडक्शन हमेशा कंडक्टर में लगती है। डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर में इंडक्शन नहीं लगती, पोलराइजेशन लगती है। ये पोलराइजेशन क्या है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पोलराइजेशन में ये ईपी, ये चार्जेस इसलिए कम हुए, इसमें पोलराइजेशन लग रही है। पर अभी आप ये समझो कि उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है,
जिसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना डेवलप हुआ, 10, सॉरी कितना डेवलप हुआ सपोज 8, बराबर नहीं हुआ, चार्ज कमजोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमजोर डेवलप करेगा, चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 डेवलप होता, 10 कैंसिल, नेट आंसर 0, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें चार्ज कमजोर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 नहीं होगा, कितना होगा 10 - 8 इन राइट डायरेक्शन, राइट की तरफ होगा, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब मेरे को आपको यह बताना है कि ये चार्जेस फिर आए कैसे, अगर ये इंड्यूस चार्जेस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन मूव करके आए हैं और मूव करके आ गए तो फिर तो कंडक्टर हो गया, और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते, बात ही खत्म, पर यहां तो चार्जेस आए तो कैसे आए अभी बताता हूं, पर आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट ये है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 नहीं होता, क्यों नहीं होता अभी वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें दूसरी चीज ये कि इसमें अगर इस प्लेट का सिग्मा सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, यानी कि चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, इसका सिग्मा कमजोर होगा, इसका चार्ज कमजोर है ना, इसका सिग्मा लेस होगा, इसका सिग्मा का नाम है सिग्मा पी, माइनस सिग्मा पी, सिग्मा पी का मतलब ये चार्जेस किसकी वजह से हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन, ये होती क्या पोलराइजेशन अभी बताता हूं, और यहां पर भी सिग्मा सेम ही होगा, थोड़ा कमजोर होगा प्लस सिग्मा पी, यानी कि चार्ज भी यहां पर बराबर नहीं होगा, कमजोर होगा, सिग्मा भी कॉर्नर्स का इस प्लेट का बराबर नहीं होगा, कमजोर होगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए इसने पहले ये डायग्राम बनाया है, क्या डायग्राम बनाया है कि अगर मैं एक कंडक्टर लूं और कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0, लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक लूं या इंसुलेटर लूं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो डायग्राम भी बना रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, इसके अंदर नेट ई 0 आएगा क्योंकि ई नॉट और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते हैं, लेकिन इंसुलेटर के अंदर ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई इंड्यूस, इसने ई इंड्यूस यूज किया है, मैंने वैसे इंड्यूस नहीं होता, ये पोलराइजेशन की ई पी होता है, तो इसने थोड़ा गलत यूज किया, बट इट्स ओके, तो ये जो वैल्यूज है बराबर नहीं होती, इंड्यूस्ड कमजोर होता है एज कंपेयर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां चार्ज कमजोर होता है, ठीक है यहां तक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 नहीं होता। अब अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऐसा हुआ क्यों, यहां पर अगर चार्ज मूव नहीं किया तो फिर चार्ज आया कैसे, इसको डिस्कस करते हैं, इसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा पोलर एंड नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक।